नमस्कार दोस्तों, आज मेरी वीडियो के दौरान आप जानेंगे रविवार के दिन वस्तुएं न खाने से सूर्य का प्रकोप आपके शरीर पर पड़ता है। देवी अवतार में भगवान सूर्य को सात घोड़ों पर दिखाया गया है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य अपने ग्रह के सबसे मुख्य ग्रह हैं। मसूर की दाल में अधिकतर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन मांस में भी पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि मसूर का भोग आप भगवान को नहीं लगा सकते। रविवार को मसूर की दाल खाना वर्जित बताया गया है। लाल साग, लाल साग भी रविवार के दिन खाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि लाल साग में बारहमासी पौधे की मृत्यु पाई जाती है, इसलिए उसे भी वर्जित है। लहसुन, वैसे तो लहसुन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, लेकिन लहसुन रविवार के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह मृत व्यक्ति के पसीने के रूप में देखा गया है। चार, मछली, मछली में प्रोटीन का स्रोत अधिक पाया जाता है, लेकिन यह मांस है, इसे रविवार के दिन ना खाना वर्जित है। प्याज, प्याज वैसे तो सभी घर में पाई जाती है, आम है, प्याज का सेवन करना भी रविवार के दिन वर्जित बताया गया है। यह थे वो पांच वस्तुएं जिन्हें खाने से रविवार को आप पर सूर्य का प्रकोप पड़ता है। इसका कारण कहा जाता है, धर्म के अनुसार पहले गौमूत्र की बलि दी जाती थी। बलि देने के बाद उन्हें कहा जाता था कि इन्हें बलि देने के बाद शाम को पुनर्जीवन दिया जाएगा। साधु की पत्नी बहुत कमजोर थी, जिस कारण उसने गौमूत्र का मांस उठाकर उसे पकाकर खाने की कोशिश की, लेकिन वह मांस को पकाने पर उसकी स्मेल सह ना सकी और उसने उस मांस को जंगल में फेंक दिया। एक मांस का टुकड़ा जंगल में गिरा और एक मांस का टुकड़ा पानी में। मांस का जो पहला टुकड़ा था वह लहसुन बना और दूसरा मछली जो पानी में था, और जो खून था उसे लाल सब्जियों का रूप दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि रविवार के दिन ये पांच वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।